बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो बिहार में 1009 किलोमीटर की होगी, जो चंपारण से शुरू होके कैमूर और पटना खत्म होगी, और ये पूरी यात्रा पैदल यात्रा होगी। इस अवसर पे गांव गांव हमारे साथी जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों, हमारे प्रभारी जी और तमाम जितने हमारे पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेता, उनके नेतृत्व में पिछले 7-8 साल की केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकारों के राज में जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगी और अपने लोगों को होशियार करेगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आज भी हमें तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने बिहार की बाढ़ भी देखी और मैंने बिहार के तमाम तरह के अन्याय भी देखे, और रोज यहाँ अन्याय अत्याचार, हत्या, बलात्कार जारी रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हमें एक जाति से नहीं, टूटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, और जो वर्तमान के हालात जिसमें जाति का जनगणना होनी चाहिए, जिसमें जिसकी इतनी संख्या भारी, उस हिसाब से हिस्सेदारी के हिसाब से जो है 100% आरक्षण लागू होना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ एजुकेशन और हेल्थ और सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दे रहेंगे। तो मीडिया के साथियों के लिए इतना ही आज के अवसर पर मैं कहूंगा कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग फरवरी में, ये यात्रा 6 फरवरी से शुरू होगी और इसके बाद 31 दिन की यात्रा, उसके बाद पूरे देश में हम लोग यात्रा जो है निकालेंगे, क्योंकि अब समय आ गया कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो। और मुझे विश्वास है कि अब बहुजन समाज अपने राज की तरफ बढ़ेगा, बहुजनों का अपना राज, बहुजन स्वराज की बात जो है आज हम बिहार की क्रांतिकारी धरती से कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद जो आंदोलन शुरू होंगे उससे इस देश में बहुजन समाज के लोगों का राज आए। धन्यवाद। बिहार बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, काम को प्राथमिकता मिलती है। मैं समझता हूँ कि हमारा काम, हमारी पहचान, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये अपने आप तय करेंगे कि वो किसको प्राथमिकता देने वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी होती, बाकी लोग अपने निजी स्वार्थों में घर बैठे रहते हैं। यहाँ भी दलितों की खाल खींची जा रही है, और जिन नेताओं की बात, जिन पार्टियों की आप कर रहे हैं, उनसे पूछे, कभी उनका दुख पूछा भी है क्या? तो मेरी किसी से शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत अपने लोगों से है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अब कुछ पूछ बनने का काम खत्म करें और शासक बनने के लिए मेहनत करना काम शुरू करें। मैंने कल ही अपनी बात रखी।